दोस्तों फिलहाल 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म भोला, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है और यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में चौथा दिन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ होली के खास मौके पर 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी तरह से सक्सेस हुई। और वैसे अगर साल 2023 में पठान फिल्म के बाद बॉलीवुड की अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो वो रही फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, जिसको आज सिनेमाघरों में 26वां दिन चल रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तू झूठी मैं मक्कार अपने पहले 26 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप। और वहीं साथ ही साथ बात करेंगे भोला फिल्म अपने पहले 4 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और रणबीर कपूर को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की। लव रंजन के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी जिसका बजट 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। लेकिन अगर बात करें फिल्म तू झूठी मैं मक्कार फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले ही दिन से इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया, ऑडियंस ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया और यही वजह रही कि फिल्म अभी तक भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है। अपने पहले दिन इस फिल्म ने 15,73,00,000 रुपए की इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन अपने पहले दिन का 22,10,00,000 रुपए का रहा था। लेकिन अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के पूरे 25 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 25 दिनों में जो ऑफिशियल रिपोर्ट है 25वें दिन फिल्म ने 1,05,00,000 रुपए की कमाई की थी। तो फिल्म का जो इंडिया में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 136 करोड़ रुपए हो चुका था, वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 163 करोड़ रुपए हो चुका था, ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 41 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 204 करोड़ रुपए हो चुका है अपने पहले 25 दिनों में। और फिल्म का 26वां दिन है तो फिल्म आज भी लगभग 1,20,00,000 रुपए कमा रही है और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 137,20,00,000 रुपए इंडिया से हो रहा है। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 206 करोड़ रुपए कर रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पे बात करें बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म भोला की तो भोला अभी फिलहाल ही 4 दिन पहले 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म को ठीक ठाक ओपनिंग तो नहीं मिली थी, कम ही ओपनिंग की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिल्म रिलीज हुई फिल्म को रिव्यू मिलने स्टार्ट हुए, ऑडियंस को यह फिल्म पसंद आई तो यही वजह है कि फिल्म के कलेक्शन में हमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से 11,20,00,000 रुपए नेट कमाए थे, दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 7,40,00,000 रुपए का, तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 12,10,00,000 रुपए और अपने पहले 3 दिनों में फिल्म भोला 30,70,00,000 रुपए इंडिया से कर चुकी थी। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 37 करोड़ रुपए हो चुका था, ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में फिल्म अपने पहले 3 दिनों में 45 करोड़ रुपए कर चुकी थी। और बात करूं मैं चौथे दिन यानी कि आज की तो दोस्तों आज भी फिल्म लगभग 14-15 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 45 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो वही फिल्म वर्ल्ड वाइड में लगभग 65 करोड़ रुपए कमा रही है, जो अभी तक का फिलहाल आप अच्छा कलेक्शन कह सकते हैं क्योंकि फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए का है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर यह फिल्म 8 दिन और सिनेमाघरों में टिक गई तो हो सकता है कि यह फिल्म अपना बजट रिकवर कर ले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए। लेकिन आपको कैसी लगी फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।